नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। ये देखिए, ये अहमदपुर स्थित गौशाला जो है, जहां पे बताया जाता है कि हम हर जानवरों को डिस्पोज करके उनको मिट्टी से दबा देते हैं और इस तरह से पूरा खुल करके उनको डिस्पोज किया जाता है कि जो गड्ढे में केवल डाल दिया जाता है, जो कंकाल अभी आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरीके से डिस्पोज करते हैं, ना तो मिट्टी डालते हैं उस पर, ना ढकते हैं, और ये पूरी तरह से ये कंकाल जो दिख रहे हैं यहाँ पर सड़ करके उसके बाद इतना बदबू फैलती है जिससे कि इतना महामारी फैली हुई है। लोग यहाँ से निकलते हैं, रास्ते से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इतना बदबू आती है। इसी तरीके से सारे जो है जो गड्ढे हैं उनको खुदवा करके और मिट्टी अलग करके उनको डिस्पोज ना करके केवल गड्ढे में डाल दिया जाता है जानवरों को। इधर भी एक गड्ढा बना हुआ जिसमें कि पानी भर गया है और मिट्टी से ढकने के बावजूद वो जो है सीधा खुल करके ऐसे डाल दिया जाता है, जो कि डिस्पोज करने के लिए बताया जाता है कि हाँ, हम जानवरों को पूरी तरह से डिस्पोज करते हैं। उनको गड्ढा खुदवा करके उसमें पार्थिव डाल करके जानवरों को फिर ऊपर मिट्टी से ढक दिया जाता है। यहाँ पर कहीं मिट्टी से ढका नहीं गया है, पूरा गड्ढे में वैसे पड़े हुए हैं और बदबू इतना फैल रही है कि लोगों को निकलना मुश्किल होता है इस रास्ते से। आज हमारी अपराध निरोधक, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ की टीम पहुँची है अहमदपुर गौशाला का निरीक्षण करने के लिए, जहाँ पर ना तो कोई कर्मचारी है, ना केयरटेकर है, और प्रधान जी का भी फ़ोन लगाया जा रहा है, सेक्रेटरी साहब का फ़ोन लगाया जा रहा है, किसी का फ़ोन भी नहीं रिसीव हो रहा है। और ये जस्ट बगल में जंगल है जहाँ पे जानवरों को ला करके डाल दिया जाता है। पूरी टीम हमारी यहाँ पर पहुँची है जांच के लिए। ये मंजर है गौशाला का, जहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री, जो दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सीधा गौरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुहिम चलाया है, लेकिन उसको जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं इसको बिल्कुल से ध्वस्त किए हुए हैं और इतना ज़्यादा ध्वस्त करके रखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई भी उन लोगों पे असर नहीं पड़ता है, चाहे वो गौशाला प्रधान के अंडर में हो या सेक्रेटरी के अंडर में हो, कोई भी उस पे ध्यान नहीं देता है। और वीडियो साहब का भी फ़ोन लगाया जाता है, वीडियो साहब का भी फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है, ना सेक्रेटरी साहब का फ़ोन रिसीव हो रहा है, प्रधान जी का फ़ोन लगाया जा रहा है, उनका भी फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है। ये मंजर इसी तरह से कंटिन्यू चल रहा है। और देखिए, जो बता रहे हैं कि हम डिस्पोज करवाते हैं कंकाल, देखिए इसी तरह जंगलों में ला करके घसीट करके जानवरों को और ऐसे डाल दिया जाता है। देखिए ये कंकाल पड़े हुए हैं, इतना दुर्गंध यहाँ पे आ रही है, हम लोग भी यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और ये पीछे जो है कौवा बोल रहे हैं, जहाँ पर के ले जा करके इतना जंगल झाड़ी डाल दिया जाता है कि ताकि कोई अगर टीम यहाँ पर जाँच के लिए आए तो वो वहाँ तक पहुँच ना पाए। इतना बदबू आ रहा है यार कि जैसे उल्टी हुई है। ये देखिए, ये पोजीशन है कि हम लोग वहाँ पर गए थे वीडियो कवर करने के लिए, और ये हमारे साथी हैं जो हमारी, हाँ नहीं नहीं वो नहीं थे, जो कि हमारे अपराध निरोधक समिति सफदरगंज से थाना कोऑर्डिनेटर हैं। और इतना वहाँ पे बदबू आ रही है कि पलटी तक होने लगी है। कोई भी हम लोगों की टीम से जितने भी लोग हैं सभी लोग भाग भाग के बाहर आ गए हैं, इतना जो है उनको भोगिंग आ रही है। ये पोजीशन है इस अहमदपुर गौशाला में कि सीधा जानवरों को ले जा करके और जो डिस्पोज के लिए आदेश आए हैं उनको डिस्पोज ना करके सीधा जंगलों में पीछे फेंक दिया जाता कि वहाँ पर कोई भी टीम अगर आए तो जाँच के लिए वहाँ पहुँच भी नहीं सकती। देखिए कितना घना जंगल है, इस बबरी जंगल में इस तरह के कारनामे ये लोग करते हैं। ऐसे ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जहाँ पर कि सीधा जानवरों को लाके डाल दिया जाता है। देखिए हम हैं अहमदपुर स्थित गौशाला पे, जहाँ पे ताला बंद है यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की टीम आई हुई है, जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ताला बंद है, जानवर सब ऐसे धूप में। इधर ये देखिए कैसे एक उठा के बोरी सब चबा रहे हैं, कोई इधर जो है पेड़ में बंधा हुआ है इस तरह से, और इस बिलबिलाती धूप में सब जानवर इधर उधर सब चढ़ा हुआ है। ये देखिए पेड़ में बंधे हुए हैं इधर,
आज दिन शनिवार अहमदपुर गौशाला जो ब्लॉक बनीकोडर थाना व तहसील रामसनेही घाट का उत्तर प्रदेश में अपराध निरोधक समिति लखनऊ जिला बाराबंकी की टीम ने औचक निरीक्षण किया। यह औचक निरीक्षण डॉक्टर उमेश शर्मा के निर्देश अनुसार किया गया, जिसमें आलोक कुमार उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति बाराबंकी, जिला सचिव, जिला कारागार पर्यवेक्षक बाराबंकी व थाना पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेटर अतुल कुमार द्विवेदी व हरिनाथ सिंह के द्वारा किया गया। जब इनकी टीम ने वहां पर भ्रमण किया तो इनकी टीम ने गौशाला पहुंची, जहां पर देखा कि मेन गेट पर ताला बंद था। तब उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के अधिकारियों ने एडीओ पंचायत और आपको हम बता दें कि आला अधिकारियों से लेकर ग्राम प्रधान एवं सचिव दोनों लोगों को वहां पर फोन करके यहां की दुर्दशा से अवगत कराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अधिकारी और जिम्मेदार लोग हैं कि आँख मूंद कर बैठे हुए हैं और योगी सरकार के आदेशों की दुर्दशा आप स्क्रीन हंगामा टाइम्स टीवी की देख रहे हैं, किस तरह से आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट